हेलो फ्रेंड्स, मैं हरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में सीमांत तुष्टिगुण हास नियम के अपवाद अथवा इसकी सीमाओं का अध्ययन करेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोग जो है सीमांत तुष्टिगुण हास नियम के अपवाद अर्थात इसकी सीमाओं का अध्ययन करेंगे कि इसकी सीमाएं क्या है, इसकी अपवाद क्या है। फ्रेंड्स कुछ अर्थशास्त्रियों का विचार है कि सीमांत तुष्टिगुण हास नियम कुछ परिस्थितियों में लागू नहीं होता, इन्हें नियम के अपवाद कहते हैं, लेकिन ये अपवाद दिखावटी होते हैं, वास्तविक नहीं है। फ्रेंड्स हम लोग इसमें ये पढ़ेंगे कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जब सीमांत तुष्टिगुण हास नियम का नियम लागू नहीं होता। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम इसकी मान्यताओं को अगर स्ट्रिक्टली अप्लाई करें तो इसका कोई अपवाद ही नहीं है, क्योंकि जब इसकी मान्यताएं स्ट्रिक्टली लागू होती हैं तो जो इसके अपवाद दिए गए हैं वह उसके सामने ठहरते नहीं है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से अपवाद कुछ अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए। देखिये हमने इसको दो भाग में डिवाइड किया है, ए और बी में। ए में लिखा है कि नाम मात्र के अथवा दिखावटी अपवाद, मतलब ये अपवाद जो केवल नाम मात्र के हैं, लेकिन अगर स्ट्रिक्टली जो है सीमांत तुष्टिगुण हास नियम के मान्यताओं को यदि अप्लाई किया जाए तो ये नियम कहीं नहीं ठहरती। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं कि क्या है। जैसे पहला है शराब के प्रयोग में सीमांत तुष्टिगुण हास नियम अप्लाई नहीं होता या लागू नहीं होता। अब कैसे नहीं होता है आइए हम इसको देखते हैं, समझते हैं। देखिए कुछ व्यक्तियों का कहना है कि शराबी को हर नए प्याले से अधिक तुष्टिगुण मिलता है, अतः यह सीमांत तुष्टिगुण हास नियम का अपवाद है। देखिए सीमांत तुष्टिगुण हास नियम क्या है कि जब हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाई का उपभोग करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली उसे हर अगली इकाई से प्राप्त होने वाला सीमांत तुष्टिगुण वह क्रमशः घटता जाता है। लेकिन अगर हम शराब का उपभोग करते हैं तो शराबी को हर नए प्याले से अधिक तुष्टिगुण मिलता है, मतलब एक प्याले के बाद जब उसे वह दूसरा प्याला पीता है, तीसरा प्याला पीता है तो उसे तुष्टिगुण बढ़ता जाता है। लेकिन फ्रेंड्स यह जो है केवल नाम मात्र का है, यह जो है वास्तविक अपवाद नहीं है। क्यों, कैसे नहीं है मैं बताता हूँ। देखिए शराब का सेवन शुरू करते ही व्यक्ति की मानसिक दशा में परिवर्तन हो जाता है। जब व्यक्ति शराब पीने लगता है तो शराब का सेवन करते ही उसकी मानसिक दशा में परिवर्तन हो जाता है, जबकि नियम के लागू होने के लिए व्यक्ति की मानसिक दशा का स्थिर रहना आवश्यक है। फ्रेंड्स सीमांत जब व्यक्ति जो है शराब का सेवन करने लगता है तो उसकी मानसिक दशा में परिवर्तन हो जाता है, जबकि सीमांत तुष्टिगुण हास नियम का की मान्यता है ये कि व्यक्ति की मानसिक दशा में परिवर्तन जब वो उपभोग कर रहा हो किसी वस्तु का, जब किसी वस्तु का उपभोग निरंतर उपभोग कर रहा हो तो उसकी मानसिक दशा में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, इसलिए जो है यह केवल नाम मात्र का अथवा दिखावटी अपवाद है। अब दूसरा देखिए, दूसरा है कि विचित्र दुर्लभ फैशन शान शौकत की वस्तुओं में यह नियम लागू नहीं होता। आपने देखा होगा कि कभी कभी पेपर में आता है कि फला टीपू सुल्तान की तलवार या किसी कोई ऐतिहासिक चीज है या किसी महान व्यक्ति की कोई चीज है तो यह इतने करोड़ों में नीलाम हुई, ठीक है, तो उसी संबंधित करा है कि विचित्र दुर्लभ फैशन शान शौकत की वस्तुओं में यह नियम लागू नहीं होता। देखिए कुछ विद्वानों का मत है कि विचित्र दुर्लभ फैशन शान शौकत और श्रृंगार की वस्तुओं का उपभोग ज्यो ज्यो बढ़ता है त्यों त्यों इनसे मिलने वाली उपयोगिता बढ़ती है और उपयोगिता हास नियम लागू नहीं होता। उदाहरणार्थ कुछ व्यक्तियों को दुर्लभ और पुराने सिक्के आदि संकलित करने का शौक होता है, ऐसे शौक में प्रत्येक अतिरिक्त इकाई जो है बढ़ता तुष्टिगुण देती है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को विचित्र चीजों का शौक होता है, कुछ लोग ऐतिहासिक चीजों को या सिक्कों को या जो है किसी देश की मुद्रा को विभिन्न देशों की मुद्राओं को एकत्रित करना चाहते हैं, तो वो जैसे जैसे एकत्रित करते जाते हैं उनकी इच्छा और बढ़ती जाती है और वह एकत्रित करना चाहते हैं तो हर एक इकाई से उनका तुष्टिगुण बढ़ता जाता है। यह कुछ विद्वानों का मत है कि यह जो है सीमांत तुष्टिगुण हास नियम पर लागू नहीं होता, लेकिन यह भी नाम मात्र का ही है। यह कैसे है मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए यह भी अपवाद जो है यह अपवाद भी वास्तविक न होकर दिखावटी है, क्योंकि नियम के लागू होने के लिए वस्तु की इकाइयों का एक समान होना आवश्यक है। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि नियम के लागू होने के लिए वस्तु की इकाइयों का एक समान होना आवश्यक है। एक जैसी वस्तु के संग्रह में अगली इकाई की उपयोगिता निश्चित रूप से घटती है। अब से कोई व्यक्ति ऐतिहासिक चीजें एकत्रित करने लग रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि उसकी हर एक चीज एक समान हो, जबकि सीमांत तुष्टिगुण हास नियम की मान्यता ये है
कि वस्तु की जो भोग की जा रही है वो वस्तु की इकाइयां समरूप होनी चाहिए, तो इसलिए यह नियम भी लागू नहीं होता। तो यह अपवाद भी दिखावटी है, केवल नाम मात्र का है। अब आइए थर्ड देखते हैं, मुद्रा के संचय में। मुद्रा के संचय में भी यह नियम लागू नहीं होता। देखिए, प्रायः यह कहा जाता है कि व्यक्ति के पास जैसे जैसे धन बढ़ता है वह और अधिक धन के लिए लालायित होता है। व्यक्ति के पास जैसे जैसे धन बढ़ता है वह और अधिक धन के लिए लालायित होता है, अतः मुद्रा संचय की इच्छा पर सीमांत तुष्टिगुण हास नियम लागू नहीं होता। लेकिन यह अपवाद भी वास्तविक न होकर दिखावटी है, क्योंकि धनी व्यक्ति के लिए अतिरिक्त मुद्रा इकाइयों का तुष्टिगुण कम होता चला जाता है। ध्यान सुनेगा, क्योंकि धनी व्यक्ति के लिए अतिरिक्त मुद्रा इकाइयों का तुष्टिगुण कम होता चला जाता है। अब कैसे कम होता है, मैं इसको उदाहरण देकर समझाता हूँ। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि नाले में पड़ा एक 10 रुपए का सिक्का, नाले में पड़ा 10 रुपए का सिक्का बहुत गरीब व्यक्ति तो उठा लेता है, किंतु धनी व्यक्ति उसे देखकर भी आगे बढ़ जाता है, क्योंकि धनी व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत इकाई की उपयोगिता कम है। आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, जो धनी व्यक्ति होते हैं उनसे जैसे जैसे अतिरिक्त मुद्राओं को प्राप्त होती है उससे प्राप्त होने वाला तुष्टिगुण कम होता चला जाता है। मैंने अभी उदाहरण बताया कि 10 रुपए का सिक्का यदि नाले में गिरा है तो एक गरीब व्यक्ति तो उठा लेगा, लेकिन धनी व्यक्ति जो है उसे देखकर भी आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि धनी व्यक्ति के लिए मुद्रा की सीमांत इकाई की उपयोगिता कम है। नेक्स्ट है, प्रदर्शन प्रियता के शौक में, मतलब दिखावे के शौक में। प्रदर्शन प्रियता के शौक में अर्थात दिखावे के शौक में कि मेरे पास ये चीज है। तो देखिए, इसमें कह रहा है कि कुछ व्यक्ति सजावट और दिखावे के लिए वस्तुओं पर अधिकाधिक व्यय करते देखे गए। कुछ व्यक्ति सजावट और दिखावे के लिए वस्तुओं पर अधिकाधिक व्यय करते देखे गए, जिस कारण यह कहा जाता है कि दिखावट की इच्छा पर सीमांत तुष्टिगुण हास नियम लागू नहीं होता। मतलब कुछ लोग बहुत ज्यादा प्रदर्शन करते हैं, दिखाते हैं कि वह जो है उनसे उनका मन ही नहीं भरता कि लोग जो है मेरी प्रशंसा करें, और जितनी चीजें जो है दिखावे की एकत्रित करते जाते हैं उनको और एकत्रित करने की उनकी लालसा बढ़ती जाती है। अर्थात प्रत्येक अगली इकाई दिखावटी सामान की प्रत्येक अगली इकाई से उसका सीमांत तुष्टिगुण बढ़ता जाता है घटने की बजाय। लेकिन जो है यह भी अपवाद वास्तविक न होकर दिखावटी है, क्योंकि दिखावट की इच्छा कोई एक आवश्यकता नहीं है। ध्यान सुनेगा, क्योंकि दिखावट की इच्छा कोई एक आवश्यकता नहीं है, वरन यह अनेक आवश्यकताओं का सामूहिक नाम है। यदि एक एक आवश्यकता को ले तो उसे पूरा करने वाली वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों से प्राप्त उपयोगिता अवश्य घटती जाएगी, क्योंकि जो दिखावटी का सामान है वह कई आवश्यकताओं का सामूहिक नाम है। कोई एक समान इकाई नहीं होती, इसे उपभोग करते समय हर प्रत्येक जो है अगली इकाई समान होती, उस तरह यह जो है प्रदर्शन प्रियता के जो वस्तु या जो सामान होते हैं, जो शौक होते हैं, वह एक समान नहीं होते, बल्कि वह कई आवश्यकताओं का सामूहिक नाम होता है। नेक्स्ट है उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ने पर। देखिए, साधारणतया टेलीफोन के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जितने अधिक टेलीफोन संबंध या जितने अधिक टेलीफोन कनेक्शन होंगे, टेलीफोन उपभोक्ता को उतनी ही अधिक संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि वह अब अनेक लोगों से बात कर सकता है। ध्यान सुनिएगा, उपभोक्ता की संख्या बढ़ने पर इस संबंध में बताया जा रहा है कि साधारणतया टेलीफोन के संबंध में ऐसा कहा जाता है कि जितने अधिक टेलीफोन कनेक्शन होंगे, टेलीफोन उपभोक्ता को उतनी ही अधिक संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि वह अब अनेक लोगों से बात कर सकता है। लेकिन यह अपवाद भी भ्रमपूर्ण है, यह भी वास्तविक अपवाद नहीं है, क्योंकि इकाई की वृद्धि, ध्यान सुनिएगा, क्योंकि इकाई की वृद्धि अन्य लोगों के पास नहीं बल्कि उपभोक्ता के पास होनी चाहिए। ध्यान सुनिएगा, क्योंकि जो टेलीफोन कनेक्शन की वृद्धि हो रही है वह किसके पास, अन्य लोगों के पास हो रही है, तो जो वह सारे लोगों से बात कर रहा है, लेकिन इसकी मान्यता क्या है, इकाई की वृद्धि उपभोक्ता के पास होनी चाहिए, अन्य लोगों के पास नहीं बल्कि उपभोक्ता के पास होनी चाहिए। उसके यहाँ एक या दो से तीन टेलीफोन हो गए तो उसे हर टेलीफोन से कम उपयोगिता प्राप्त होगी, अतः यह अपवाद भी गलत है। फिर
फ्रेंड्स ये रहे नाम मात्र के या दिखावटी अपवाद। अब आइए वास्तविक अपवाद को देखते हैं कि इसके वास्तविक अपवाद क्या हैं। देखिए पहला है कि अच्छी पुस्तक, रसीली कविता और मधुर संगीत का मोह। अच्छी पुस्तक, रसीली कविता और मधुर संगीत का मोह। अब आइए हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। प्रोफेसर टाजिंग के अनुसार किसी अच्छी पुस्तक को दोबारा तिबारा पढ़ने या रसीली कविता या सुंदर गीत को दोबारा तिबारा सुनने में पहले की अपेक्षा अधिक तुष्टिगुण प्राप्त होता है। अतः यह सीमांत तुष्टिगुण हास्यम का एक सच्चा अपवाद है। किंतु आलोचक प्रोफेसर टाजिंग के इस मत से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति एक अच्छे गाने को ज्यादा से ज्यादा एक समय में दो या तीन बार सुन सकता है, किंतु बार बार और लगातार एक ही गाने को सुनने से अंत में सीमांत तुष्टिगुण अवश्य घटता है। तो फ्रेंड्स यह भी जो है यह भी अपवाद वास्तविक नहीं है। यदि जो है सीमांत तुष्टिगुण हास नियम की मान्यताओं को लागू किया जाए स्ट्रिक्टली तो यह भी अपवाद उसके सामने ठहरता नहीं है। अब आइए दूसरा क्या है, उपभोग की प्रारंभिक अवस्था। ऐसा कहा जाता है कि उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में यह नियम लागू नहीं होता। तो अब आइए इसको समझते हैं क्या उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में कैसे लागू नहीं होता। देखिए ऐसा देखा जाता है कि उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में वस्तु के प्रत्येक नवीन इकाई के प्रयोग में पूर्व की अपेक्षा अधिक तुष्टिगुण प्राप्त होता है। ध्यान सुनिएगा, फिर से बता रहा हूं मैं। ऐसा देखा जाता है कि उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में वस्तु की प्रत्येक नवीन इकाई के प्रयोग में पूर्व की अपेक्षा अधिक तुष्टिगुण प्राप्त होता है। किंतु आलोचकों का कहना है कि सीमांत तुष्टिगुण में एक सीमा तक ही वृद्धि होती है और जब यह संतुष्टि के चरम बिंदु पर पहुंच जाता है तो उससे आगे किए जाने वाले उपभोग की प्रत्येक अगली इकाई से कम सीमांत उपयोगिता मिलती है। फ्रेंड्स जैसे इसमें कहा गया है कि उपभोग की प्रारंभिक अवस्था में यह नियम लागू नहीं होता। जैसे आपको बहुत भूख लगी है तो जब आप खाने लेंगे तो हो सकता है कि आपको पहली रोटी से जो संतुष्टि मिल रही है अगली रोटी में थोड़ा ज्यादा मिले, तीसरे में थोड़ा ज्यादा मिले, लेकिन जो है यह कुछ स्टेप तक ही लागू होता है। कुछ समय के बाद जो है जब आपका पेट भरने लगता है तब आपके प्रत्येक अगली इकाई के उपभोग से जो सीमांत तुष्टिगुण प्राप्त होगा वह क्रमशः घटता जाएगा और जब आपका पेट पूर्ण से भर जाएगा तो वह जो है अंत में माइनस होने लगेगा। तो यह भी जो है इसकी मान्यताओं के सामने नहीं ठहरता। यह अपवाद भी जो है यह पूर्ण पे नहीं ठहरता। अब आइए हम निष्कर्ष को देखते हैं कि अब इसको पढ़ने के बाद निष्कर्ष क्या निकलेगा। देखिए इसमें मैंने लिखा हुआ है कि उपर्युक्त अपवादों का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सीमांत तुष्टिगुण हास नियम एक सार्वभौमिक नियम है जिसका जीवन में कोई अपवाद नहीं पाया जाता। इसीलिए टाजिंग ने कहा है हासमान तुष्टिगुण नियम की प्रवृत्ति इतनी व्यापक है और इतने कम अपवाद हैं कि इस नियम को सर्वव्यापी कहना अनुचित नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये रहा सीमांत तुष्टिगुण के नियम के अपवाद या सीमाएं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। अब जो इसका नेक्स्ट वीडियो होगा मैं इसमें सीमांत तुष्टिगुण हास नियम के महत्व को की व्याख्या करूंगा कि सीमांत तुष्टिगुण हास नियम का महत्व क्या है। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।